पेशेंट है, उम्र कितनी है इनकी? 80 साल। ये है इसका ब्रेडर, ठीक है ना, ये है यूट्रस, ये नजर आ रहा है, ठीक है ना, मुश्किल से नजर आ रहा है। और ये है राइट एंडेक्स में एक मैस पड़ा हुआ, ये है इसका सोलिड कंपोनेंट, नजर आ रहा है। अच्छा, इसमें ना मल्टी लिक्विड एक्सेप्ट आ रही, इसके अंदर एक मटेरियल सा नजर आ रहा है, जैसे ना म्यूसनेस से कहते हैं, देखिए ना इंटरनल इको से है, नजर आ रही है जी, नजर आ रही है। इसके अंदर देखिए, तो ये देखिए, ये है मल्टी लेक्यूलर, मतलब मल्टीपल कंपार्टमेंट है, यूनिलेक्युलर होता है सिंगल कंपार्टमेंट हो, समझ आ रही है जी जी। तो ये मल्टीपल इसमें ऐसे सेपरेट से आ रहे हैं, तो कलर डॉपलर पे मिनिमल देखिए, इसमें फ्लो शलो आ रहे हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है, ये देखिए, ये कहीं ये सेप्टा के अंदर आ रहे हैं, ठीक है ना, ये इधर, तो ये केस है म्यूसनेस सिस्ट एडिनोमा, ठीक है ना। इसकी फिर मजीद एडिनोकार्सिनोमा भी होता है, लेकिन ये मुझे जो लग रहा है म्यूसनेस सिस्ट एडिनोमा, ये सॉलिड कंपोनेंट है, इसमें सेप्टा भी आ रहे हैं और ये मटेरियल भी आ रहा है, ठीक है ना, ये किस चीज का केस है, मैं इसलिए दे रही थी कि इस तरह के जो कार्सिनोमा वाले केसेस देखे हैं तो उनमें भी बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है ना, नीचे सॉलिड पड़ा होता है। हाँ, ये सॉलिड तो आप यूं समझ लें, ये कॉम्प्लेक्स मैस है एडेक्सिव का।